साइकिल तो ठीक होगी है, इनबिल्ट ठीक खड़ी है। अच्छा भाई, बहुत से मेरे भाई बोल रहे थे कि अपनी स्कूटी की रिस्टोरेशन स्टार्ट कर, एंड सच्ची में बोलना चाहूँगा कि ये अकेली चीज़ है जो मैंने बोली थी यूट्यूब पर, उसके बाद नहीं करी। अब इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि भाई इसमें दिल्ली लेके जाऊँगा, यहाँ पर रिस्टोरेशन नहीं हो सकती, दिल्ली लेके जाऊँगा, रैप का प्लान है, पूरा प्लान है। तो पूरे मतलब 7-8 दिन लगातार स्कूटी की वीडियो आएगी बैक टू बैक, एंड उसके बाद अगर चांसेस हुए तो आपको एक सरप्राइज भी दिया जाएगा, गिफ्ट भी दिया जाएगा, वो आप अगर वीडियोस में रहेंगे तो ही पता चलेगा। तो कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि भाई ये जो स्कूटी है इसकी रिस्टोरेशन मैं करूं या ना करूं। दिल्ली जाएगी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भिवानी में नहीं हो सकता, जो मेरा पूरा मास्टर प्लान है, एंड सीट भी बात है ऑब्वियसली कि बदलनी ही है, तो रैप होगा, सब कुछ पूरी चेंज होगी। तो कमेंट सेक्शन लिख के बताओ कि हर्ष भाई हाँ इसकी रिस्टोरेशन करो, बिकॉज रिस्टोरेशन हर एक चीज़ मांगती है। बेसिकली यहाँ से जो लाइट्स ये बफ होंगी, मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नहीं चल रहे, ये टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है, तो वी विल सी कि कहाँ पे कुछ रिस्टोरेशन होती है। बट हाँ चाहिए तो बताएगा, सर्विसिंग हो चुकी थी, बैटरी डलते ही जो गाड़ी स्कूटियाँ जाएगी, तो यहाँ से दिल्ली तक जाऊँगा वो ब्लॉग भी आपको दिखेगा। तो राम राम जी सारे, कैसे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, और आवाज़ अभी भी आपको थोड़ी बहुत अलग लग रही होगी, बिकॉज नॉट टोटली रिकवर्ड, ये रही दवाई, क्या हो गया कुछ नहीं। और भाई आपने अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी, अरुण उसमें कह रहा था ना कि क्या मतलब है गले से अंदर ज़्यादा वो जाती है, सांस से अंदर ज़्यादा मिट्टी जाती है, देखो मिट्टी का कसूर है, अब पता लगा मिट्टी जाती है क्या जाता है। एनीवेज भाई अभी लोग हैं, हम लोग दो काम के लिए जा रहे हैं, काम टाइटल पढ़ लिया होगा तो मैं वहीं पे जाके आपको दिखाऊंगा, एंड ट्रैफिक दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ता था। सो गाइस देखो, वैसे तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट हाँ हुआ क्या था, मैं सीन बताता हूँ आपको। मैं गया था मारुति में कुछ काम के लिए, तो उन लोगों ने गाड़ी में हवा भर दी, और हवा भरने की वजह से हुआ ये कि उन लोगों ने नाइट्रोजन के साथ मिक्स कर दी अपनी, सिंपल हवा है। नाइट्रोजन का आपको एक दो फायदे बताऊंगा, और ये फायदे सुनने के बाद भाई आप लोग भी कहेंगे कि हाँ मेरी गाड़ी में मैं नाइट्रोजन ही भरवाऊंगा। रेट्स थोड़े बहुत डिफर हो सकते हैं आपके और हमारे रेट में। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ, हम जो एयर भरवाते हैं भाई, एयर जो होती है वो मतलब टोटली अपनी CO2, O2, ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें 3-4 तरह के मिश्रण होते हैं, और जो नाइट्रोजन होती है भाई वो नाइट्रोजन प्योर भरी जाती है, जैसा कि बताया गया, वो तो देखो किसी ने चेक करी नहीं है। तो वो क्या होता है भाई, आपके जो टायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिर फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, फ्लेक्सिबल एज इन जैसे झटकों पे जाएगा तो वो टायर पिचक जाएंगे, ना कि टायर एकदम से ऐसे बंप मारेंगे, तो जिससे आपको झटके बहुत कम लगते हैं। फर्स्ट एकदम ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट अपना बेनिफिट। सेकंड बताता हूँ एक बार, हम भी भरवा लूँ उसके बाद। सो गाइस ये है वो MRF का शोरूम जहाँ पे भिवानी में इकलौती नाइट्रोजन मिलती है। रेट क्या कुछ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और हो सकता है कि आपकी जगह पे सस्ती मिल रही हो, बिकॉज दिल्ली में ऐसा भी है 50 में भरी जाती है, 100 में भरी जाती है, और यहाँ के रेट्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहले एक बार नाइट्रोजन भरवा लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे रेट्स की। अभी जो है नाइट्रोजन मैं खाली करके भरवाऊंगा इसमें, बिकॉज इसमें भी जो है हवा थोड़ी बहुत मिक्स्ड है, तो आई वांट कि पूरी टोटली जो है अपनी गाड़ी मतलब क्या बोलते हैं पूरी नाइट्रोजन वाली हो। फायदे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, तो गाड़ी जो है ऊपर चढ़ जाए। और क्या, ठीक हो तो भाई एक बार अभी जो गाड़ी अपनी ऊपर आ जाए, और अब इसमें नाइट्रोजन भरी जाएगी। ये रहा इनका N2 का, जिसका मतलब नाइट्रोजन रहता है, तो अभी ये लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं, एक बार खाली करेंगे पहले पूरे चारे टायर अपने जो है। तो भाई यहाँ पे अपना जो पहला टायर है उसमें नाइट्रोजन भरी जा रही है, और इसको पहले खाली करेंगे एकदम। और ये जो टायर स्टिकर्स है ये थोड़े से शायद स्ट्रेच हो सकते हैं, बिकॉज आज तक खाली नहीं हुई है। कितनी भरते हो भैया स्विफ्ट में? 33 जाती है। तो गाइस अगर सिंपल हवा हो तो वो तो 29-30 ही रहती है ना, नाइट्रोजन 33 तक जा सकती है। तो गाइस अब दिखाऊं मैं आपको, तीनों टायर में हो गए, फाइनल टायर में जो है यहाँ पे नाइट्रोजन भरी जा रही है, और आगे से भरेंगे, बिकॉज इतना लंबा पाइप नहीं है। और पहले तो भैया से ही पूछवा दूंगा कि भैया नाइट्रोजन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा आपको। तो भैया यहाँ पे हवा भरते भरते साथ में बताओ कि नाइट्रोजन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, और स्पीड में चलने में फटने का भी कम डर रहता है ना, और थोड़ी गाड़ी स्मूथ भी हो जाती है चलने में। तो गाइस ये दो तीन फायदे हैं जो भैया बता रहे हैं। एक सेकंड और काम है, छोटा सा ही है मात्र। अभी वाले को वॉशिंग कैसे कराएगा? क्यों? अभी चिप, अभी एकदम फ्रेश होगा ना? ऐसा कुछ करता। एनीवेज गाइस हम लोग को थोड़ा डाउट हो गया था, अभी जो है मेरे को पीछे हर्ष व्लॉग दिखाना है, बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं लिखवाए हुए, और मतलब कार अधूरी अधूरी सी लग रही है। तो पिछला जब हमने विंडशील्ड बदलवाई थी अपनी पीछे वाली, सॉरी मैं बाद में बताता हूँ यार। HARSH और
तो गाइस ये बन चुका है अपना हर्ष व्लॉग्स का लोगो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हर्ष व्लॉग्स जो है वैसे थोड़े अलग पॉइंट में लिखवाया आपकी बार, लिख के बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। एंड ये अपना यूट्यूब का लोगो, तो एक बार लगवा लेता हूँ गाड़ी में, फिर एक बार गाड़ी वॉश होगी उसके बाद आई शो यू कि कैसा कुछ जो है फाइनल अपना आउटपुट आ रहा है। तो गाइस एक बार यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी गाड़ी जो है उसमें बेसिकली गंदी बहुत ज़्यादा रही, वॉशिंग होगी यहाँ पे लगने वाला है पीछे। एंड जब मैंने डिफॉगर और पीछे के भाई ये अपना वाइपर लगवाया था तो उस टाइम से ही हो रहा है, तो अब जो है मिडल में देखेंगे, एकदम लगवाना है मिडल में। अभी जो मैं अपनी गाड़ी वॉश करा रहा हूँ यहाँ से आपको दिख रहा होगा बेसिकली, और एक आधी बार जो है मैं बाहर करा लेता हूँ वॉश, हालांकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बट जो भी है खैर। एंड मोस्टली भाई यूँ है कि टायर वायर नीचे से अच्छे साफ हो जाते हैं, तो ये ऊपर जैक्स पे चढ़ा कर देते हैं और भाई नीचे का जो सिस्टम है ना वो पूरा साफ हो जाता है गाड़ी का, तो नीचे का जो बेसिकली सिस्टम है पूरा साफ हो जाता है। तो यही एक रीज़न है कि बाहर मैं मोस्टली अपनी जो गाड़ी है साफ करा लेता हूँ। सो गाइस नाइट्रोजन तो भरवा ली थी और गाड़ी जो अपनी वॉश भी हो चुकी है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बेसिकली। तो नाइट्रोजन के अब मैं आपको एक दो फायदे बताता हूँ भाई, अपनी जो हल्क है इसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो भाई अब नाइट्रोजन का अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन एक्चुअल में कैसे करती है। तो देखो भाई एक चीज़ नाइट्रोजन का होता है कि जब गाड़ी अपनी हाई स्पीड में रहती है तो एक्सपेंड नहीं होते जो टायर्स में हवा है, बेसिकली नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं होती, जिसकी वजह से जो बर्स्ट है वो नहीं होगा आपकी गाड़ी का टायर। सेकंड चीज़ है भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, बिकॉज नाइट्रोजन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आप जो भी बोलना चाहेंगे, वो जो होते हैं वो कंप्रेसिंग नेचर वाले होते हैं कि जैसे ही प्रेशर पड़ेगी, जैसे ही फोर्स पड़ेगी तो आपकी गाड़ी जो झटके से निकल जाएगी आराम से। एंड थर्ड मैं आपको बताऊं टायर की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फोर्थ मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, क्योंकि भाई देखो मेरी गाड़ी में 33 हवा भरी है, 33 भरी है, और आमतौर पर मैं 29 रखता हूँ नॉर्मल हवा में, तो नॉर्मल हवा में 29, हालांकि रिकमेंडेड जो है वो 32 है, फिर भी मैं 29 रखता हूँ बिकॉज कोई मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। एंड उसके बाद जो राइड बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। तो भाई 33 होने के बाद जो गाड़ी आप समझ सकते हैं कि इसकी माइलेज जो है वो भी बढ़ेगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कम्फर्ट, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी वो। तो भाई ये फायदा है अगर आप अपनी गाड़ी में जो है नाइट्रोजन डलवाते हैं, और मात्र 100 रुपये की चीज़ है बट गाड़ी में बहुत ज़्यादा भाई अमेजिंग रिस्पॉन्स देती है। हल्क में भी नाइट्रोजन डलवाई थी बट देन फिर सर्विसिंग के लिए लेके गया एंड पापा ने भरवा दी, तो उसके बाद उसमें नाइट्रोजन नहीं है। बट हाँ मैंने आपको एक लमसम बता दिया कि ये कुछ फायदे हैं भाई अगर आप अपनी गाड़ी में जो है नाइट्रोजन डलवाते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि नाइट्रोजन डलवाएं। सेकंड भाई दिस इज द अपडेट, ये रहा अपना हर्ष व्लॉग्स का जो टैटू है, बेसिकली स्टिकर है, तो कैसा लग रहा है। पिछला वाला जो था वो था अपने सिंपल ग्लास पे, बट ये जो है डिफॉगर वाला ग्लास है तो इस पे भी लगवाना जरूरत था। कई मेरे भाई बोल रहे थे भाई अधूरी अधूरी लग रही है गाड़ी, तो ये लगवा लो। तो भाई हर्ष व्लॉग्स भी लिखवा लिया, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन लिख के बताइए। एंड सेम गोज विद दिस साइड, अपनी इस पे तो लिखा हुआ ये बहुत पुराना, तो ये फर्स्ट टाइम से लगवाया था, उसके बाद रिप्लेस नहीं हुआ है, वहाँ पे लगवा लिया। तो कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा।